गुड मॉर्निंग भाइयों। आज फिर वही सेकंड वीडियो लाडी बारी की, जो हमने आपको 6 कबूतर दिखाए थे 78 घंटे 55 मिनट वाले। अब उसी, क्योंकि 7 बारी लगी थी भाई की, और कुछ और कबूतर है जो बारियों में अगली पिछली बारियों में उड़ते रहे, और एक बार फिर इनका, मतलब एक बार का टाइमिंग नहीं है भाइयों, 7 हफ्तों में 2 बार ऐसा हुआ है कि 6 के 6 कबूतर 6 बजे के बाद बैठे हैं और सारे के सारे कबूतर घर बैठे हैं। मतलब सीजन में एक टाइम नहीं, ये 2 बार ऐसा हुआ है। और एक बार ऐसा भी हुआ है जिस दिन 3 रात बार रह गए, 3 बैठे हैं भाई और 3 रात बार रह गए। आप फॉलो करो मेरी बात को, यानी वो दिन भी इनका यही था कि कबूतर 12-13 घंटे के बाद ही सारे बैठने थे, लेकिन कई बार कबूतर भाई बैठाने ही मुश्किल हो जाते हैं। और लगने थे सारे ही। वो एक आपको बात बताऊँ, एक हफ्ता तो ऐसे था जिसमें भाई जो सादा 40 ml पानी था ना, वो भी पूरा नहीं दिया कबूतरों को कि मेरे कबूतर घर बैठे हैं। मतलब उस दिन कबूतर 25-30 ml देके छोड़ दिए और तो भी कुछ कबूतर 7 बजे आ गए। जाते मेरा आइडिया 4 कबूतर फिर 6 बजे के बाद ही बैठे थे, और 2 कबूतर जो जल्दी बैठ गए, हम शुक्र मनाया लाठी भाई ने कि मेरे कबूतर आज रात बाहर नहीं रहेंगे, घर बैठे रहेंगे। वो तो भाई तैयार भी नहीं किए थे। हाँ, जो जल्दी बैठ के थे वो बारिश की वजह से जो तैयार किए थे वो उड़ाए ही नहीं, वो रोक लिए, वो नीचे उड़ते थे। फिर न्यू रात को न्यू कबूतर उड़ाने पड़े सुबह निकाल के, फ्रेश कबूतर जिनको रात को तैयार भी नहीं किया, फिर भी कबूतरों का फिर भी वो 2 बजे के बाद ही बैठे हैं। वो भी कबूतर 4-3 बजे के गेट में बैठे थे 2 कबूतर। मतलब कई बजे, मतलब ये सारी मेहनत है भाइयों। तो अब मैं आपको कुछ और कबूतर दिखा रहा हूँ जो इन बाजियों में उड़े हैं, और उनका टाइमिंग और वो कबूतर आप देखिएगा कितने शानदार है भाई, दिखाना एक एक करके। ये पट्ठा है जो लास्ट 2 बारियों में छोड़ा था मैंने। ठीक है, क्या था इसका टाइमिंग? इसकी टाइमिंग 6 बजे के बाद ही हुआ। भाई 6 कबूतर आपको दिखाए थे, 7वां कबूतर आपको दिखा रहा हूँ, 6 कबूतर पहली वीडियो में और ये 7वां कबूतर सेकंड वीडियो में लास्ट जो दो 6 बजे के बारियों में बाद छोड़ा बैठा था। है। 7 बारियां थी, 14 बारियां थी मेरी, दो घरों के साथ थी, दो दो बंदों के साथ थी, 7-7 बारियां। और ठीक ये है ठीक लास्ट 2 बारियों में छोड़ा था मैंने। कुछ है, कबूतरों को रेस्ट देकर फिर ये छोड़ देते हैं, फिर कुछ और को रेस्ट देकर फिर दूसरे छोड़ देते हैं, ठीक है। रेस्ट दे दे के उड़ाई जाते हैं जैसे जगह। क्रिकेट टीम में होता है ना, कुछ प्लेयरों को रेस्ट देना होता है क्योंकि हर प्लेयर परफॉर्म कर रहा है और बाकियों को भी परफॉर्म करने का मौका ये देना इसका चाहिए। सबूत भी है, थंब भी लगा इस पे ये ब्लू वाला, देखिए, 2 बाजियों का। और ये भी सब अपने घर का बच्चा ये है। भी घर का पट्ठा है, बहुत ही तगड़ा उड़ा, बहुत ही तगड़ा, बारिश का माहिर है ये, बारिश में तो बहुत तगड़ा होता है ये, और इतनी तेज चलाता कि बारिश इसके ऊपर पड़ती ही नहीं है, गीला ही नहीं होता। बात ये पर देख लीजिए इसके, है, बहुत बढ़िया। उड़ उड़ के पाल इन्होंने खराब कर दिए, 2.5-3 महीने मांझू भाई कबूतर। हमारे ना मार्च में ही बीमारी पड़ गई थी। अच्छा। बाजियाँ तो पिछले साल ही लग गई थी 2020 में ही, और मार्च में मेरे पड़ गई थी बीमारी, जनवरी फरवरी में बीमारी पड़ गई थी, जब जानवर खींचे हुए थे तब बीमारी पड़ गई थी मेरे, जिसकी वजह से कुछ जानवरों के पर खराब आए थे मेरे, क्योंकि बीच में मेरे को इंजेक्शन लगाना पड़ा, वैक्सीन करनी पड़ी बीच में, उसकी वजह से कुछ जानवरों के पर खराब हो गए, कुछ वैसे मर गए, और फिर भी भगवान ने हमको यहाँ तक लेके आए। भाइयों में चलो, कंपटीशन किया, कुछ जीते भी कुछ हारे भी, हार इतना ही जीत बहुत तो है। हाँ बिल्कुल मुकद्दर हो गया, लेकिन गेम साफ खेलना यही है, और हम हमारा एक ही असूल है कि हम गेम साफ खेलते हैं। बाजी हमारा जिस बाजी से बाजी लगी है चाहे उससे भी पूछ लेना हमारा रिकॉर्ड क्या है बाजी उड़ाने का, वो ही आपको बता पाएंगे। अपने मुंह में मीठा मियाँ मुठ्ठू क्या बनना। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया कबूतर है। नेक्स्ट नेक्स्ट भाई हमारी ये कबूतरी है हमारी, ये 2 बाजियों में उड़ी थी। पहली बाजी में तो ये 5 बज के कुछ मिनट पे बैठ गई थी। ये पिछले सीजन भी इस कबूतरी का रिकॉर्ड है, 7 बज के 25 मिनट पे बैठी थी अच्छा। पिछले सीजन भी। और अभी इसकी आंख आप देख रहे होंगे, ये इस सीजन मेरे से तो खराब हुई हुई है, इस सीजन रात रह गई थी जा कबूतरी,
रात रहने की वजह से ये रात को कहीं वृक्ष वृक्ष में बज गई, इसकी वजह से इसकी हड्डी भी टूट गई थी नीचे से। ये अच्छा देख लो हड्डी अभी भी टूटी हुई है, हड्डी बिंगी होगी इसकी। देखिए आप हॉस्टल रात को पता नहीं किस चीज में बजी ये बाजी वाले दिन रात रह बाजी वाले दिन रात रह गई थी, ओहो और किसी चीज में बज गई, और पता नहीं रात को कहाँ रही कहाँ नहीं। तो जब सुबह आई तो देखा इसकी हड्डी भी नीचे से क्रैक हुई पड़ी थी सारी, और चाहे रात को बिल्ली पड़ी क्या हुआ हमको नहीं पता इसके साथ क्या हुआ, और इसकी आंख में भी चोट लग गई थी रात को उड़ते उड़ते कहीं पे। मेरे हिसाब से तो वृक्ष में बज गई थी, कहीं पत्ता पुत्ता फिर गया था आंख में इसकी, इसकी फिर वजह वापस आ से। गई। हाँ फिर भी वापस आ गई सुबह 8 साढ़े 8 बजे, अपनी छतरी पे आके बैठ गई थी। इसकी आंख चली गई अब, जिसकी वजह से हमने इसको दोबारा उड़ाया नहीं है। मरने वाली थी पर बच गई, भगवान का इतना ही शुक्र है कि बच गई है, कि चलो बच्चों के लिए काम आ जाएगी। बहुत ये है बढ़िया थी। इसकी व्यू विजिबिलिटी, दोनों काली आंखों की है, और पिछले सीजन भी इसका बहुत बढ़िया रिजल्ट था, और इसके बच्चे भी बहुत तगड़े उड़ते। मेरे शिकिर्द के पास बच्चे हैं दो, बहुत तगड़े उड़े हैं इनके पास। बहुत बढ़िया थी, बहुत बढ़िया। ये इसके पारा है। अब अगली कुतरी आपको दिखाता हूँ, चीनी। ये भी हमारे घर की पट्टी है, और ये हमने लास्ट बाजी में उड़ाई थी, कुछ कबूतर रोक के फिर इसको मौका दिया था कि चलो इसका भी देखते हैं क्या रिजल्ट निकलता है। लास्ट बाजी छोड़ी थी ये 7:20 के करीब बैठी थी, क्या 20 या 24 मिनट फिर, पे। मतलब 13 घंटे। हाँ 13 घंटे ये भी उड़ी है, सब कबूतर आपको जो दिखा रहे हैं 12-13 12-13 घंटे वाले ही हैं, वो भी छतरी खड़ी करके उतारे हैं, बैठने बैठने वाली ये भी नहीं थी, मतलब बैठाने पड़ते हैं बिठाने कबूतर। पड़ते हैं 6 बजे के बाद। ये इसके पर है, पर भी देख लो ऐसे ही उड़ी है जी, अभी 10 दिन ही हो गया रोके हुए इसको। बहुत अच्छी उड़ान दी इसने, बहुत अच्छी। बहुत अच्छे कबूतर है आपके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया चीज है। और और ये दो कबूतर वो हैं, ये मेरे उस्ताद के घर का पट्ठा है, ठीक है, ये बालक बालक वाले, उस्ताद के घर की नस्ल है ये, ठीक है, उनके लाल और तो वर्ल्ड फेमस है। वर्ल्ड फेमस है उनके लाल रत्ते, मशहूर है ये। वो है दो जो उस दिन बारिश की वजह से मेरे को चेंज करने पड़े जानवर, ये अच्छा दो जानवर जो जल्दी बैठ गए थे उस दिन, जिनको रात को कुछ संभालना भी नहीं था, बस ऐसे ही सुबह पानी दे के 20-25 ml पानी दे के छोड़ दिया, कुछ भी नहीं अच्छा किया इनको। तो कितना कितना टाइम हो गया, क्या ये 3:00 कुछ पे बैठे थे, बिना बात है, मतलब बिना कुछ किए ऐसे कुछ किए ऐसे ही उड़ाने पड़े, क्योंकि बारिश पड़ रही थी सुबह, बाजी कैंसिल हुई नहीं, बारिश में उड़ाने पड़े ये, बारिश में उड़ जाते थे तो जो तैयार किए थे वो उड़ाए नहीं हमने, ये बारिश में उड़े हैं। पर फिर भी इतना है कि बॉर्डर कर गए, हमारा भारत का बॉर्डर होता है, 6 घंटे का बॉर्डर होता है हमारे यहाँ भाइयों, उस दिन उड़े थे 7 बजे, तो फिर भी ये एक तीन बजे बजे का, के 3 बजे के बाद बैठे ये दोनों ही, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बाजी बढ़िया, जिताने वाले हैं ये भी दोनों। बहुत बढ़िया कबूतर है भाई, बहुत बढ़िया। और लाल तो बालक पाजी के जलंधर सभी जानते हैं और सबको पता है कितने शानदार है। और एक ये भी कबूतर है हमारा, जिसने हमको 2 बाजियां हरवाई है। अच्छा ये भाई बंदा के सभी बोलते हैं कि हम जीते हुए कबूतर, ये बाजी कबूतर वो भी है, 2 बाजियां हरवाई तो नहीं है, पर ये घर पे नहीं बैठता था, बाजी में अच्छा उड़ाया इसको 2 बाजियां, पहली 2 बाजियां में उड़ाया, जैसे साथ वाले छत पे बैठ जाता था कभी, उधर वाली 2 बाजियां ऐसे की है इसने, फिर हमने इसको उसके बाद निकाला ही नहीं है, दोबारा उड़ाया ही नहीं है। उड़ाया है पर खड़ी छतरी पे आता है, बैठ नीची छतरी पे नहीं नीचे आएगा, करने पे नहीं आता। नीचे छतरी पे, छतरी वैसे क्या का टाइमिंग है इसका, मतलब जब, 2 बजे 3 बजे के बाद भी, अच्छा उस दिन टेम्परेचर भी दो वो टेम्परेचर भी बहुत था 2 बाजियों में, हाँ पहली दो 3 बजे बारियाँ के बाद ही बैठा है ये, देखिए, उड़ान में सबसे बेस्ट आ ये।
हर कबूतर, हर कबूतर देखिए बहुत इसके परों बढ़िया की दिखाता है, वाइब्रेशन। ये कबूतर बहुत बढ़िया, लेकिन जो इसने नुकसान दिया है वो अलग चीज़ है, लेकिन इसके पर देखिए, और ये ये डालने। हमसे हाँ ही कुछ खराब हो गया मंशु भाई, हमारे हाथ में ही है सारा कुछ, हमसे ही खराब हुआ जानवर। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर से ये ही। भी बड़ी बात है कि गलती अपनी मानते हैं, क्योंकि हाँ कबूतर की भाई वो गलती नहीं होती, अगर कोई कबूतर जानवर बाहर की नहीं बैठा है गलती ना। होती, जब बंदे के हाथ में ही है सारा कुछ। जानवर को जो देख उड़ा दो जानवर ने, तो उतना ही उड़ना है। मेरे से कुछ गलती हुई थी जिसकी वजह से ये बाहर बैठ जाता था। आगे से हमने इसको निकाला भी नहीं है, सभी बोलते हैं कि उड़ते हुए दिखाते हैं, ये बाहर बैठता है हमने तभी भी दिखाया है। लेकिन कबूतर तो बहुत बढ़िया, और ये भी घर का पट्टा है। चलो भाइयों, ये आपको आज सारे कबूतर दिखाए हैं 12-13 घंटे वाले, और बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस वाले हैं। और जलंधर में हमारे भाइयों बहुत कबूतर उड़ता है, अगर बालक बाजी की बात करें तो। इसके अलावा लखो बाजी, चूही उस्ताद, बड़े तगड़े तगड़े, आकाश जी, बहुत बड़े बड़े प्लेयर हैं जलंधर में, जिनके कबूतर उड़ते हैं। और ये वीडियो दिखाने का रीज़न सिर्फ आपको ये था कि लोग कहते हैं कि 12 घंटे वाला कबूतर दिखाओ दिखाओ, तो मैंने कहा भाई अब 12 घंटे वाला एक नहीं है, आपको 10 कबूतर दिखा दिए। तो भाइयों वीडियो पसंद आए शेयर कीजिएगा, दोनों वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया आप सबका, नमस्कार।